छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। एनएमएनएम ओरिजिनल। सॉरी बड़ा ही कमाल का शब्द है ना। अगर आदमी कह दे तो झगड़ा खत्म, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे तो आदमी खत्म। इन डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग भले ही कभी समझ ना आती हो, मगर होते ये भगवान का दूसरा रूप है। पैदा होने से लेकर मरने तक डॉक्टर्स की जरूरत हमेशा होती। आज मैं डॉक्टर्स की इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परसों यानी कि 1 जुलाई को था नेशनल डॉक्टर्स डे। इंडिया में 1 जुलाई 1991 से लेकर हर साल डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की याद में सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे। इत्तफाक की बात तो यह है कि 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ और ठीक 80 साल बाद 1 जुलाई को ही उनका देहांत भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की डॉक्टर वाली कहानी। अच्छा ये बताइए, जब कभी आपके दिल की धड़कन तेज होने लगे, सांसें फूलने लगे, माथे पर पसीना आने लगे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है किसी डॉक्टर को ही दिखाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ही इतनी खूबसूरत हो कि उसे देखकर सांसें थम जाए, चेहरा शर्म से लाल हो जाए, तब कहां जाएंगे जनाब? जी हां, आज की यह कहानी हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में रहने वाले राहुल की है, साथ ही उसके शहर की डॉक्टर मनीषा की। कुछ दिनों पहले सीने में दर्द की शिकायत लेके राहुल एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। बस फिर क्या था, दिल का दर्द तो ठीक हो गया मगर बेचारा राहुल हमेशा के लिए दिल खो बैठा। हजी दिल की बीमारी तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो जाती है, मगर इश्क के मर्ज की कहां कोई दवा है। उस डॉक्टर के हाथों से लिखी कड़वी से कड़वी दवाई भी राहुल को मीठी लगती है और उसका लगाया हुआ इंजेक्शन भी राहुल को चुभता नहीं, सिर्फ गुदगुदाता है। जब से राहुल ने उस डॉक्टर को देखा है उसने एप्पल खाना छोड़ दिया, क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, एंड राहुल कहां उससे अवे होना चाहता था। तो बीमारी का बहाना बनाकर राहुल फिर से पहुंच गया डॉक्टर मनीषा से मिलने। ये देखिए ये दरवाजा, आइए अंदर चलते। मे आई कम इन डॉक्टर जी? आप कहिए, इस बार क्या तकलीफ है आपको? जी डॉक्टर, मेरे दिल में ना हल्का हल्का सा दर्द है। अच्छा, और कब से है ये दर्द आपको? जी जब से आपको पहली बार देखा है। एक्सक्यूज मी? जी मेरा मतलब जब आपको दिखाया था ना पहली बार, मैं वो कह रहा था। ये सुनते ही मनीषा ने अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगाया और राहुल के सीने पर रख दिया। लंबी लंबी सांसें लो। राहुल ने भी आहें भरते हुए सोचा, हाय तुम्हें देखकर सांसें तो खुद ब खुद लंबी हो जाती हैं। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं। ऐसे मनीषा के इतने करीब बैठे होने के कारण राहुल के दिल की धड़कन थम सी गई। डॉक्टर को स्टेथोस्कोप में ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कोई आलसी बैल धीरे धीरे बैलगाड़ी खींच रहा हो। दिस इज स्ट्रेंज, कहीं तुम्हारा बीपी लो तो नहीं? ये जांचने के लिए मनीषा ने राहुल की कलाई पकड़ी। चलो अपना हाथ आगे करो, करो ना। मनीषा के छूते ही राहुल की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई जैसे कोई सुपर फास्ट रेल ब्रिज से गुजर रही हो। दिस इज वियर्ड, तुम्हारी दिल की धड़कन तो ठीक थी, ये अचानक से क्या हो गया? राहुल की तेज धक धक सुनकर मनीषा ने तुरंत ही स्टेथोस्कोप हटा लिया। उसे डर था कि कहीं उसके कान का पर्दा ना फट जाए। जब इनिशियल एग्जामिनेशन में सब कुछ नॉर्मल लगा तो डॉक्टर मनीषा ने कहा, अच्छा सुनो मैं कुछ टेस्ट्स लिख देती हूँ, रिपोर्ट्स आ जाए तो दिखा देना। राहुल के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने एकदम से कहा, कम ऑन यार मनीषा, ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे मुझे जानती नहीं। मनीषा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कहो क्यों आए हो? तुमसे मिलने, और क्या? अब अगर तुम्हारे दिल का ये फेक दर्द ठीक हो गया हो तो जाओ, बाहर और भी लोग हैं, ठीक है? मैडम वेटिंग हॉल में 2 घंटे इंतजार किया, सभी पेशेंट्स का चेकअप हो जाने के बाद ही अंदर आया हूँ। सो स्वीट,
लेकिन यहाँ सिर्फ पेशेंट्स आते हैं जिन्हें मेरी जरूरत होती है। राहुल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जरूरत तो मुझे भी है। अब फ्लर्ट करना बंद करो और सीधा पॉइंट पे आओ। वो मैं सोच रहा था। ओ, तुम सोचते भी हो? मतलब जब तुम्हारे ख्यालों से फुर्सत मिलती है तो थोड़ा बहुत सोच भी लेता हूँ। अच्छा, क्या सोचा है? ओपीडी का टाइम ओवर होने के बाद पिज्जा खाने चले। पिज्जा? सो मच चीज, नॉट गुड फॉर योर हार्ट। ये सुनकर राहुल खुशी से सोचने लगा, शादी से पहले ही मेरे दिल का कितना ख्याल रख रही है। खुद को दूल्हे की ड्रेस में और उसे दुल्हन की ड्रेस में इमेजिन करते हुए राहुल ने कहा, अब क्या करें, कमबख्त इस दिल को पसंद भी वही आता है जो इस दिल के लिए ठीक नहीं। फिल्मी डायलॉग, हाँ? अपनी डॉक्टर के साथ डेट पे जाना चाहते हो? अरे सुनो, मतलब साथ में पिज्जा खाना डेट थोड़ी ना होता है, और अगर होता भी है तो मेरे और पिज्जा की डेट है, तुम्हें तो सिर्फ कंपनी देने के लिए बुला रहा हूँ। नहीं, हॉस्पिटल के बाहर में पेशेंट्स को कंपनी नहीं देती। देखो, मैं पहले था तुम्हारा पेशेंट, अब मैं बेड नंबर 19 नहीं हूँ, एक नॉर्मल हैंडसम सा लड़का हूँ, और अगर मैं सिर्फ एक पेशेंट हूँ तो क्यों तुमने अपना पर्सनल नंबर देकर कहा था कि जब चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? टेल। मैंने अपना नंबर मेडिकल इमरजेंसी के लिए दिया था। अगर ये बात है तो साथ में पिज्जा खाना भी मेडिकल इमरजेंसी ही समझो। पिज्जा खाते वक्त ज्यादा खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो आई नीड अ डॉक्टर। बाप रे, कितनी नौटंकी करते हो ना तुम। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर तुम अपने पेशेंट्स को डेट नहीं करोगी तो किसे करोगी? ना पार्टीज में जाती हो, ना किसी फैमिली फंक्शन में, और तो और सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहने का वक्त नहीं मिलता तुम्हें। हर वक्त अपनी वो क्या कहते हैं उसे, सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम पहनकर लगे रहती हो जान बचाने में। वो एप्रन है मेरी, डॉक्टर्स के पास कोई सुपर पावर्स नहीं होते। अरे अपने पावर्स को कम मत समझिए मैडम, डॉक्टर्स ही तो हैं आज के सुपर हीरोज जो मास्क, एप्रन, ग्लव्स और पीपीई किट पहने लड़ रहे हैं इनविजिबल मॉन्स्टर्स से। ठीक है बाबा, मान लिया डॉक्टर्स होते हैं सुपर हीरोज, लेकिन एक दूसरे सुपर हीरो स्पाइडरमैन ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए अब जाओ और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने दो। लंच टाइम ओवर होने वाला है, दूसरे पेशेंट्स को भी देखना है ना मुझे। और मुझे कब मिलेगी अपॉइंटमेंट? देखते हैं बाबा, अभी जाओ। राहुल मायूस होकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी मनीषा ने पीछे से कहा, अच्छा सुनो, शाम को मेरे घर आ जाना, I'll cook बिरयानी for you। राहुल ने खुशी से ऑलमोस्ट नाचते हुए कहा, हाय, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। और राहुल फाइनली जाने ही वाला था कि तभी उसने शैतानी भरी आवाज में पूछा, सुनो, वो डिनर के बाद क्या करेंगे? कोई गेम खेल लेंगे। कौन सा गेम? वही जो तब खेला करते थे जब तुम एडमिट थे। लूडो? हाँ, लूडो। क्यों? Any problem? नहीं, मतलब no problem. Ludo is fine. Absolutely fine. तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? देखिए भाई, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, मगर खुश रहने के लिए आपको हर संडे M&M टॉकीज का ये पॉडकास्ट सुनना प्रिस्क्राइब जरूर कर सकता हूं। सुनते रहिए, खुश रहिए, कहानियों का मंत्रा। An M&M Original।